नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है दयर सिद्धांत शो में। तो आज हम लोग बात करते हैं मलेशियन एयरलाइन MH370 के बारे में। तो ये कुआलालंपुर से उड़ान भरा। इसे फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन जहारी और को कैप्टन फारीद उड़ा रहे थे। इसमें 239 पैसेंजर्स बैठे थे। इसे चाइना बेजिंग जाना था। ये उड़ान के बाद डिसअपीयर हो जाता है। तो आज हम लोग बात करते हैं ये फ्लाइट डिसअपीयर कैसे होता है। उड़ान के बाद कैप्टन एटीसी को मलेशियन एटीसी को गुड नाइट विश कर देता है, क्योंकि वो वियतनाम के एरिया में घुस एंटर करने वाला था। और मलेशियन एटीसी ने MH370 को वियतनाम के एटीसी को हैंडओवर कर दिया। पर लाख कोशिशों के बाद भी वियतनाम एटीसी MH370 के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो कुआलालंपुर ने 5 फाइटर जेट्स को भेजा लास्ट लोकेशन के उनको ट्रैक करते करते। जब ये 5 फाइटर जेट्स पहुंचे उस जगह पर, तो उन्हें MH370 नहीं मिल रहा था। घटने के 3 दिन बाद इन्हें एक सबूत मिला। उन्हें ये पता चला कि जहां पर हम लोग फ्लाइट को ढूंढ रहे हैं, वहां पर MH370 क्रैश ही नहीं हुआ है। ये फ्लाइट 120 डिग्रीज मोड़ के थाईलैंड और मलेशिया के बॉर्डर के ऊपर से उड़ान भर के वो नॉर्थ वेस्ट की ओर मुड़ गया। और 6 घंटे उड़ान भरने के बाद ये फ्लाइट इंडियन ओशन में क्रैश हो गया। तो खोजी दल को अब पूरे इंडियन ओशन में MH370 को ढूंढना था। पर एक फ्लाइट को इतने बड़े एरिया में ढूंढना बहुत हार्ड होने वाला था और बहुत समय भी लगने वाला था। और फिर हम लोग बात करते हैं इसके रीजंस, कैसे ये फ्लाइट क्रैश हो सकता है। तो ये पहला रीजन हो सकता है कि फ्लाइट कुआलालंपुर से सेफली उड़ान भरा, सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते करते ये अपने मैक्सिमम एल्टीट्यूड पर भी पहुंच गया, और फिर कोई पैसेंजर टेररिस्ट हुआ होगा और ये फ्लाइट को हाईजैक कर लिया होगा। और फिर इसने कैप्टन को बोला होगा कि फ्लाइट को 120 डिग्री मोड़ कर थोड़ी दूर उड़ा कर फिर नॉर्थ वेस्ट की ओर मोड़ देना, और फिर 6 घंटे फ्लाइट को उड़ाना और फिर उसे वर्टिकली क्रैश कर देना। ये एक रीजन हो सकता है। इसलिए इन्वेस्टिगेटर्स ने सारे पैसेंजर्स के बैकग्राउंड इमेज को चेक किया, पर कोई भी पैसेंजर संगठन कोई टेररिस्ट नहीं था। मतलब कोई टेररिस्ट या आर्मी नहीं था कि वो फ्लाइट को हाईजैक कर सके। और अगर वो पैसेंजर हाईजैक करता फ्लाइट को, तो वो इंसान टेररिस्ट गवर्नमेंट से कांटेक्ट जरूर करता। इसलिए जब उन्होंने पूछा तो टेररिस्ट
तो ये हमें बताता है कि फ्लाइट हाईजैक नहीं हुआ था, और एक ही ऑप्शन बच जाता है कि पायलट ने जानबूझकर फ्लाइट को 120 डिग्री मोड़ा होगा और सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स को बंद किया होगा। तो और फिर उसे थोड़ा दूर उड़ाकर थाईलैंड और मलेशिया के बॉर्डर के ऊपर से फ्लाइट को उड़ाकर फ्लाइट को नॉर्थ वेस्ट की ओर मोड़ कर फ्लाइट को वर्टिकली क्रैश किया होगा उस कैप्टन ने। इसलिए उन्होंने इन्वेस्टिगेटर्स ने मलेशियन पुलिस से कांटेक्ट किया और मलेशियन पुलिस को सब कुछ बता दिया, और फिर मलेशियन पुलिस पहले कैप्टन फरीद के घर गए और फिर वहां पर उन्हें ये पता चला कि कैप्टन फरीद 2007 को मलेशियन एयरलाइन ज्वाइन किए थे और ये एज अ पायलट थे, और इन्होंने केवल 6 टाइम्स यानी 6 बार फ्लाइट को एज अ को कैप्टन उड़ाया। पर जब वो लोग कैप्टन जहारी के घर गए तो उन्हें कुछ अलग ही पता चला। इन्हें ये पता चला कि कैप्टन जहारी थोड़े दिनों से डिप्रेशन में है, और क्योंकि वो केवल अपने पत्नी से ही कांटेक्ट में नहीं है बल्कि बहुत सारे और गर्ल से भी कांटेक्ट में है, ये कैप्टन जहारी के पत्नी को पता चल गया। और इस टॉपिक पर बहुत लड़ाई हुआ कैप्टन जहारी और उनकी पत्नी का। तो फाइनली कैप्टन जहारी की पत्नी ने ये डिसीजन लिया कि मैं अपने बेटे के साथ घर छोड़ के जा रही हूँ। इसलिए कैप्टन जहारी एकदम डिप्रेशन में चले गए और फिर उन्होंने प्लान बनाया मलेशियन MH370 को क्रैश कराने का। तो इन्होंने कुआलालंपुर से फ्लाइट को उड़ाया यानी टेक ऑफ करवाया। ATC के सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, फ्लाइट को मैक्सिमम एल्टीट्यूड में लेके गए, और फिर जूनियर पायलट को बाहर कॉफी के लिए भेज दिए होंगे और दरवाजे को लॉक कर दिए होंगे, लॉक कर दिए। और फिर पर अगर कैप्टन लॉक भी करता है दरवाजे को तो उसे कोड से खोला जा सकता है, पर मैं आपको कोड नहीं बताने वाला। इसलिए पर एक प्रॉब्लम आ गई कि उस कोड को डिसेबल भी किया जा सकता है, यानी उस कोड को हटाया भी जा सकता है। तो कैप्टन ने केवल डोर को लॉक ही नहीं किया बल्कि उस कोड को डिसेबल भी कर दिया। तो फिर उन्होंने सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स को बंद कर दिया ताकि वियतनाम ATC MH370 के साथ कांटेक्ट ना कर पाए। और फिर उन्होंने 120 डिग्री फ्लाइट को मोड़ दिया और थाईलैंड और मलेशिया के बॉर्डर के ऊपर से फ्लाइट को गुजारा। इससे हमें ये पता चलता है कि पायलट फ्लाइट को डिसअपीयर ही रखना चाहता था। और फिर जब इन्होंने बॉर्डर को क्रॉस कर दिया तो फ्लाइट को उन्होंने नॉर्थ वेस्ट की ओर मोड़ दिया, और फिर 6 घंटे फ्लाइट को उड़ाते इन्होंने फ्लाइट को वर्टिकली ऊपर ले जाकर फ्लाइट को साउंड के स्पीड से नीचे गिराया, जिसके वजह से ये फ्लाइट्स के मिलियंस ऑफ मिलियंस टुकड़ों हो गए। और फिर
इसलिए इस फ्लाइट को नहीं ढूंढ पाया गया। इसमें सारे लोगों की जान चले गई और ये मलेशियन एयरलाइन का सबसे दुखद घटना है और ये हिस्ट्री का सबसे पहला घटना है कि इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ कुछ नहीं लगा जब से वर्ल्ड का पहला प्लेन बना है तब से। तो ये थी पूरी कहानी MH370 मलेशियन एयरलाइंस की। थैंक यू, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।